परिषद महोदय हैं जिन्होंने साफ शब्दों में इस तरह की बातों को रख रहे हैं कि आने वाले समय में मनीष कश्यप अगर मनीष कश्यप आने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ आके वो भी इंतजार में बैठे हुए हैं कि वो आएगा, वो लड़का आएगा, मैं उसके गले से थोड़ा वक्त अब और लगेगा क्योंकि वहां से तो निकल चुके हैं, पटना क्षेत्र छोड़ चुके हैं और हाजीपुर के आसपास में वो अभी हैं। जब तक वो अपने गांव में आएंगे तब तक यहां तो काफ़ी हलचल है गांव में, काफ़ी सबसे ज़्यादा तो मैं देख रहा हूं कि उनके समर्थकों की भीड़ है। लेकिन मेरे साथ में जिला परिषद इस क्षेत्र के हैं और उनके लिए जो मनीष कश्यप आने वाले हैं उनके लिए भी यहाँ आके वो भी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि वो आएगा, वो लड़का आएगा, मैं उसको गले से लगाऊंगा। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं क्या ये कहते हैं, कैसा लग रहा है अब मनीष कश्यप, आज तो शाम तक लग रहा है आधे घंटे एक घंटे के आसपास में आ जाएंगे। कैसा लग रहा है, खुशी हो रहा है, मतलब घर का लड़का है, हमारे क्षेत्र का है, पड़ोस गाँव का है, हर तरह से उस पर हम लोग का हक है, उसका हम लोग पर हक है। तो हमारा तो कर्तव्य है कि मतलब एक घर का सामान और मतलब समझिए कि छूट कर आ रहा है जमानत पर, तो इससे बड़ी और खुशी क्या होगी, इससे और बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बिल्कुल नहीं, ऐसा जैसे कल ही निकले, वो निकलने के बाद फिर गया क्षेत्र में चले गए काफ़ी जगह, वो क्योंकि अपने समर्थकों से मिलना उनको लगा कि ज़रूरी है और वैसे जगह भी जाना ज़रूरी है जहाँ वो, एक ऐसा बात उन्होंने कल बोला कि वो पहाड़ को काट के दशरथ मांझी ने एक रास्ता जो बना दिया, कभी सोचा नहीं था किसी ने कि वो रास्ता भी बनाया जा सकता है। एक एक छेनी उसने चलाया और छेनी चलाते चलाते और हथौड़ी छेनी हथौड़ी से वार करते करते एक रास्ता बना दिया। तो ऐसे में उस जगह पे जाना, उनसे मिलना, उनके बेटों से मिलना, आपको कैसा लग रहा है? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये व्यू जो है कहीं वो काफ़ी दूर तक देख रहे हैं अपने को? काफ़ी दूर तक देख ही रहे हैं, ये भी पिछड़ा इलाका है, बाढ़ से क्षतिग्रस्त इलाका है, बैकवर्ड इलाका है। इस इलाका से उभर कर जाना और लोगों का, हर लोगों की बात को उठाना, सच्चाई को सामने रखना, ये बड़ी बात है। ये है इस जगह से, मान लीजिए जो आप देख रहे होंगे चारों तरफ नदी से घेरी हुई ये इलाका है, बाढ़ का क्षेत्र है, पिछड़ा इलाका है, रास्ता कोई खास नहीं है, यहाँ से अगर उठकर आदमी वहाँ तक जाता है तो इसे क्या समझ में आता है। ये पूरा क्षेत्र जो है बिल्कुल, जब बारिश का समय आता होगा, जब बाढ़ हो जाता होगा, तो बिल्कुल आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है इस क्षेत्र में। एकदम मुश्किल हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है। बाढ़ खत्म, जब तक बाढ़ का जमाना आता है पूरा फसल भी दह जाता है, हर तरह का समझिए कि इस पर समझिए रहता है, कहर रहता है, बाढ़ का कहर रहता है, बांध नहीं है, गांव कट रहा है, ठोकर को नहीं लगने से वजह से बांध ऊंची नहीं है, बारिश थोड़ा भी आता है तो बारिश निकल कर लोगों को तबाही मचाता है। कैसे लोग आते जाते होंगे उस समय में? अरे बहुत परेशानी होती है, मतलब नाव का लोग इस्तेमाल करता है, एक इस तरह बर्दाश्त करता है, किसी तरह अपना टाइम गुजारता है, जब तक तो बाढ़ हटता नहीं तब तक ठीक है। तो मनीष कश्यप के जो इस तरह की बातें आ रही है, अब आने वाले समय में मनीष कश्यप के जो और तेवर हैं, क्योंकि जिस तरह से वो अपने बातों को रखते हैं, बेबाकियों से बताते हैं, तो नहीं लग रहा है कि समय के हिसाब से आपके गांव और ये पंचायत में विकास सुनिश्चित हो गया? अरे उसी उम्मीद पर सब लोग मैंने आज खुशी मना रहा है कि घर का आदमी अगर आगे उठ कर किसी बात को उठा रहा है तो इस इलाका की बात को उठाएगा, इलाका के बात को भी लोगों को तक पहुंचाएगा, इसी उम्मीद पर सब लोग हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये विकास का जो समय है, ये आसपास का जो एरिया है, इसको कैसे डेवलप किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। जिला परिषद महोदय हैं जिन्होंने साफ शब्दों में इस तरह की बातों को रख रहे हैं कि आने वाले समय में मनीष कश्यप अगर इन बातों को रखता है और आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो अब बिहार का ही नहीं पूरे भारत में उसका नाम, तो वैसे में ज़रूर कुछ हमारे गाँव का और हमारे पंचायत का विकास तो निश्चित ही होगा, क्योंकि हमारा गांव बहुत पिछड़ा इलाका हो गया है, ये पंचायत भी बहुत पिछड़ा है, क्योंकि आसपास का जो एरिया है वो पूरी तरह से जब बाढ़ आता है तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अच्छी बात है, उनसे उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे